चलिए देखिए, आज आपको हमने लास्ट टाइम बोल दिया था कि आगे का ही टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। देख लीजिएगा, ज़रा एडजस्टमेंट करिएगा, बोर्ड पे ना दिख रहा हो, इधर उधर करिएगा। फीडबैक इन एम्पलीफायर बताने जा रहे हैं, ये नया टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। फीडबैक इन एम्पलीफायर, तो क्या होता है कि आउटपुट का पोर्शन, आउटपुट का पार्ट इनपुट पर फिर से लगा देना, क्या कहलाता है? फीडबैक। मतलब जैसे आपने इनपुट किया एम्पलीफायर पर और आपको आउटपुट वी नॉट मिला, अब उसका पार्ट आप फिर से इनपुट पे लगा दें तो उसे हम क्या कहते हैं? फीडबैक। तो हेडिंग डालिए फीडबैक इन एम्पलीफायर, फीडबैक इन एम्पलीफायर। ये बीएससी पार्ट वन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, थर्ड ईयर में भी लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे लग जाते हैं, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अभी आया भी नहीं है, तो 21 में बिल्कुल कन्फर्म क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अश्विनी जरा ये दरवाजा गेट बंद करो, कुंडी लगा दो, रोशनी जाती है। नोट भी करते जाइएगा बच्चों, वो लगा देगा, हर्ष लगा देगा। देखिए, तो देखिए जरा, जैसे आपने ये लिया एम्पलीफायर, ये लिया एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन ए है, एम्पलीफायर लिया जिसका वोल्टेज गेन ए है, आपने लगाया वी आई लगाया। कॉलेज में सभी बच्चों इसी पे प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल इसी पर मिलेंगे। वी आई आपने लगाया, आउटपुट वी नॉट, ठीक है? तो इस एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है ए, वी नॉट अपॉन वी आई, वोल्टेज गेन है वी नॉट अपॉन वी आई, ठीक है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब हम क्या करें, फ्रैक्शन खोल दो, अब हम क्या करें, फ्रैक्शन आउटपुट का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पार्ट, हम फिर से लगा दें इनपुट पर, आउटपुट का फ्रैक्शन हम फिर से इनपुट पर लगा दें, ठीक है? फ्रैक्शन मतलब 1/10, 1/20, 1/1000, वो हम फिर से इनपुट पर लगा दें, तो उसे मतलब ये हमने किया, इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, हमने क्या किया, इसका ये हमने लिया फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट, और यहां पर हमने यहां पर वीटा वी नॉट ये लिया प्लस ए माइनस, ये हमने इधर लगाया, ठीक है? अब जो हमारा ये प्लस बनेगा और इधर हमारा माइनस, अगर हम प्लस से प्लस को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, और अगर हम प्लस से माइनस को जोड़ देंगे तो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। तो यहां से हमारे जोड़ने के अकॉर्डिंग है, ये हमने इसका फ्रैक्शन ले लिया, ये फीडबैक सर्किट है जो बीटा गुना लेता है, फीडबैक सर्किट है जो बीटा, बीटा का मतलब 1/10, 1/100, 1/1000, वो फीडबैक सर्किट पर है, वो एक फ्रैक्शन लेता है। अब यहां से अगर हम जोड़ देंगे, अगर हम यहां से प्लस को जोड़ देंगे, ठीक है, और माइनस से माइनस को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई प्लस बीटा वी नॉट,
वी आई प्लस बीटा वी नॉट, ये ऐड हो जाएगा। अगर हम प्लस से माइनस को जोड़ देंगे या माइनस से प्लस को जोड़ देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो वो आपका नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। आ जाने दो, आ जाने दो बच्चे, और नीचे वाले ठीक है, जो बंद कर दो, ऊपर से लगा दो, तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। तो आपने वी आई लगाया, वी नॉट मिला, वी आई लगाया, वी नॉट मिला। अब इसका आपने फ्रैक्शन वी नॉट का मान लो 100, मान लीजिए एक बोल्ट लगाया और ये हमको देता है 10 बोल्ट, ठीक है, ये हमको 10 बोल्ट देता है। अब 10/100, 10/100 मतलब 0.1, अब आपने ऐड कर दिया तो ये है आपका 1 + 0.1, 1.1। अब इसको 10 गुना करेगा 11 वोल्ट, फिर उसका वो लेगा, ठीक है। तो ये है आपका फीडबैक सर। तो अगर बस इसमें लेते समय ये तो बिल्कुल सेम है, ये आपने लिया प्लस, ये लिया माइनस, इधर ऐड करो तो प्लस से अगर प्लस को जोड़ोगे, माइनस से माइनस को जोड़ोगे तो वो पॉजिटिव फीडबैक होगा, और अगर प्लस से आपने माइनस को जोड़ दिया, माइनस से आपने प्लस को जोड़ दिया, उल्टा कर दिया, तो नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो यही अब हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फीडबैक के लिए पहले जनरल बात लिख रहे हैं, ये आपको समझा रहे थे। तो देखिए, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, जब फ्रैक्शन जो है आउटपुट, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है 1/10, 1/100, ये आगे है आज से, ठीक है, नोट करो। व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, टू इनपुट, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, फीडबैक कर देते हैं इनपुट पर, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीका, दो ही तरीके हैं, अगर सेम फेज में जोड़ा तो पॉजिटिव, अपोजिट फेज में जोड़ा तो नेगेटिव, बाई एनी मीन्स, देन देन फीडबैक सिग्नल, देन फीडबैक सिग्नल, देखे वहां तक बता दीजिएगा, सिग्नल, फीडबैक सिग्नल एडेड और सब्सट्रैक्टेड, एडेड और सब्सट्रैक्टेड, तो फीडबैक सिग्नल जुड़ जाता है या घट जाता है, सब्सट्रैक्टेड विथ इनपुट सिग्नल, एडेड और सब्सट्रैक्टेड विथ इनपुट सिग्नल, एडेड और सब्सट्रैक्टेड विथ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के साथ जुड़ जाता है या घट जाता है, विच डिपेंड्स, जो कि निर्भर करेगा, विच डिपेंड्स अपॉन द फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप सिप बिटवीन इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल, इनपुट और फीडबैक सिग्नल के फेज रिलेशनशिप पर निर्भर करता है, इनपुट और फीडबैक सिग्नल के फेज रिलेशनशिप पर निर्भर करता है। दो प्रकार के फीडबैक बनते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर कि आपने ये बाद में आए, जरा इधर देखो, ये टॉपिक है फीडबैक इन एम्पलीफायर, ये इस लास्ट ईयर 2020 के पेपर में नहीं आया है, तो आपको जरूर मिलेगा, मतलब इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में से एक है, फीड थर्ड यूनिट का ये लेसन थर्ड चल रहा है, जो बच्चों का पहला टर्न है वो नोट कर लें, लेसन थर्ड चल रहा है एम्पलीफायर
एंड पावर एम्पलीफायर, लास्ट टर्न से ही शुरू किया है पावर एम्पलीफायर, थर्ड यूनिट, ठीक है। ये पेपर आपका सब्जेक्टिव है, थर्ड पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है, फर्स्ट भी सब्जेक्टिव है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर, देखिए फीडबैक इन एम्पलीफायर, जो आप लोगों को अच्छी सूचना का भी जानकारी दे दें कि थर्ड ईयर में बच्चों के जो नंबर नहीं गड़बड़ आ गए थे वो सबके नंबर सही हो गए और अनएक्सपेक्टेड बढ़ गए, ठीक है। मतलब जिसके पास चला 12 थे वह 52 हो गए, 62 तक, मतलब बहुत अच्छे नंबर हो गए, सबके परसेंट अच्छे इनक्रीज कर गए, ठीक है। बहुत अच्छा परसेंट आया क्योंकि फिजिक्स में बहुत अच्छे पेपर सभी के हुए थे, ठीक है, और मैथ के भी पेपर सही। फिजिक्स का सेकंड पेपर का तो ऑब्जेक्टिव में लोग हमारे यहाँ बच्चे 52, 55, 57 ऐसे नंबर हैं, सबके लगभग 50 से ऊपर है। बहुत अच्छा पेपर आया था ऑब्जेक्टिव सेकंड पेपर, और वो पेपर ऐसा है अगर वो सब्जेक्टिव हो जाएगा तो आपके उतने नंबर नहीं आएंगे, वही थोड़ा सा बीएससी पार्ट थ्री में थोड़ा टिपिकल है, फिगर इगर बनाने पड़ते हैं। तो वो आपका ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसी पे पूरे प्रैक्टिकल हैं। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी आती है तो एक तो प्रैक्टिकल में भी वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे से पूछ लिया कि पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, अब आपको पता ही नहीं है तो वो जान जाता, वो कुछ नहीं आता, क्योंकि पार्ट वन में भी पढ़े हो और पार्ट थ्री में भी पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें तो बिल्कुल गलत करनी ही नहीं है। नहीं कहते एक बार पूछा टीचर ने और आपने नहीं बता पाया तो कहते बस रह जाओ, तो वो इसीलिए होता है कि उसे लग रहा है कि बेसिक चीज़ नहीं पता है तो आगे क्या पता हो, और भले आपको आगे का पता हो पीछे ज़रा बेसिक कन्फ्यूज़ हो गए। तो ये बेसिक चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। फीडबैक भी कई बार टीचर पूछ लेते हैं, तो फीडबैक का मतलब है कि आपने इनपुट किया और आपको आउटपुट वी नॉट मिला, ठीक है। तो मतलब इसने, ये एम्पलीफायर के ऊपर है, ये जो एम्पलीफायर है उसने क्या किया, 10 गुना कर रहा है, 20 गुना कर रहा है, 500 गुना, मान लीजिए कॉमन एमीटर है तो वो क्या करता है 500 टाइम्स करता है, ठीक है। सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, कॉमन बेस है तो 150 गुने तक करता है। तो आपने एक वोल्ट लगाया 150 वोल्ट आया, या आपने एक वोल्ट लगाया कॉमन एमीटर है 500 वोल्ट आया। अब उसका वो फ्रैक्शन आपका फीडबैक सर्किट है, वो फ्रैक्शन क्या करेगा इनपुट पे लगाएगा, फ्रैक्शन में 1/10, 1/100, 1/1000 कुछ, मतलब रेशियो में रहेगा 1/1 में, और वो आपका इनपुट किया। अब वो यहां से तो आपने जो लिया प्लस लिया तो ये प्लस, माइनस लिया तो ये माइनस, ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहां भी प्लस बना, यहां माइनस बना, और अगर आपने प्लस से प्लस को जोड़ा है और माइनस से माइनस को जोड़ा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ। तो वी आई प्लस बीटा वी नॉट, ये हुआ पॉजिटिव। और अगर आपने उल्टा जोड़ा, वी आई माइनस में कर दिया तो नेगेटिव फीडबैक बनेगा। तो अगर आप अपोजिट फेज में जोड़ते हैं तो नेगेटिव फीडबैक बनता है, ठीक है, और सेम फेज में जोड़ते हैं तो अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, ये प्लस है और आपने इससे जोड़ दिया, ठीक है, और ये वाले को इधर जोड़ दिया, हो गया बस नेगेटिव, यही बाकी सब सेम। नेगेटिव फीडबैक में प्लस से हमने माइनस को जोड़ दिया, माइनस से हमने प्लस को जोड़ दिया, तो ये अपोजिट फेज में हो गए, वो नेगेटिव में हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक में इधर वाले से कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा, इधर वाला प्लस से आप माइनस को जोड़िए, माइनस से आप प्लस को जोड़िए। तो ये देखिए, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट का फ्रैक्शन है इज फीडबैक, ये इसीलिए फ्रैक्शन ये है, बीटा फ्रैक्शन है, ठीक है, फीडबैक फ्रैक्शन कहलाता है। व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, फीडबैक कर देते हैं इनपुट पे, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके, मीन्स का मतलब दो तरीके, बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से, तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो सेम फेज में जोड़िए प्लस से प्लस को जोड़िए, माइनस से माइनस को जोड़िए, या तो सेम फेज में जोड़िए या अपोजिट फेज में। तो बाई एनी मीन्स,
ठीक है, देन फीडबैक सिग्नल एडेड, अब एक मींस है जिसमें जुड़ जा रहा है तो एडेड हो जा रहा है, एक मींस ऐसा है जिसमें घट जा रहा है तो सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, देन फीडबैक सिग्नल एडेड और सब्सट्रैक्टेड विथ इनपुट सिग्नल, तो फीडबैक सिग्नल या तो जुड़ जाता है या घट जाता है इनपुट सिग्नल। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके फेस पर, कला पर, कि प्लस से प्लस को जोड़ रहे हो, माइनस से माइनस को जोड़ रहे हो, तो वो सेम फेज, आपने उल्टा जोड़ दिया तो नेगेटिव, तो वही लिख दिया हमने, विच डिपेंड्स अपॉन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। दो प्रकार के फीडबैक आपके एम्पलीफायर में होते हैं, लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर, दो प्रकार के फीडबैक हैं एम्पलीफायर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर, एक है पॉजिटिव फीडबैक, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव फीडबैक फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। अब देखिए पहली वाली हेडिंग डाल रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, यह है आपका एम्पलीफायर, बना यही रफ करके इधर लिख दे रहे हैं, उतार है वो, फिगर इधर बना देंगे, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, टू इनपुट, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट इन सेम फेज, सेम फेज, समान कला में, सेम फेज, समान कला में होते हैं, ठीक है, सेम फेज, देन फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल, सिग्नल एडेड विथ इनपुट सिग्नल, ठीक है, देन फीडबैक सिग्नल एडेड विथ इनपुट सिग्नल, सिग्नल, दिस इज द, दिस इज द, दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, ये पॉजिटिव फीडबैक है एम्पलीफायर में, जब फ्रैक्शन जो आउटपुट का है वो हम जोड़ देते हैं, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट,
इन सेम फेज, सेम फेज का मतलब समान कला में, उसी में, कला का मतलब प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, ठीक है, इन सेम फेज। देन फीडबैक सिग्नल एडेड विथ इनपुट सिग्नल, फीडबैक सिग्नल जुड़ जाते हैं इनपुट सिग्नल से, दिस इज द फीडबैक इन एम्पलीफायर, इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर का। अब देखिए ये लिया एम्पलीफायर, एम्पलीफायर लिया, जिन बच्चों का छूटा हुआ है बिल्कुल शुरुआत से, एक टर्न हमने कल पढ़ाया है, ठीक है, 2, 4, 6 में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 2 बजे, ठीक है। अब हम सेमीकंडक्टर बताए थे, कल आपको इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप तक बता देंगे, ठीक है। और आपका इस पेपर की बड़ी विशेषता है कि आपको ये लगेगा कि आता तो सब है पर लिख नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 के क्वेश्चन पार्ट 3 में आ जाते हैं, कभी कभार गलती से थर्ड ईयर वाले फंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस ऐसा है, ठीक है। तो जैसे बुक में दिया है, जेपी अग्रवाल की पूरी बुक पढ़ लीजिए और कहो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाए, कृष्णा में भी यही दिक्कत है, क्योंकि जो बुजुर्ग टीचर हैं, जैसे पाचरा 70 फिजिक्स वाले सब जिंदा हैं, 80 ईयर्स वाले भी जिंदा हैं, ठीक है। अब 85 ईयर्स वाले हैं, उनके पास पेपर पहुंचता है तो वो सिलेबस नहीं देखते, कहते हमसे ज़्यादा किसी को आता है, और वो अपना पेपर वैसे बनाते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आप सोचते हो पार्ट 1 का है, जैसे जेपी अग्रवाल में उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक लिखा है, ठीक है, और बैंड थ्योरी दिया, और जैसे हमने थोड़ा बता दिया है, ठीक है, बैंड थ्योरी वाला प्रूफ है कि कंसंट्रेशन वाला, उन्होंने बीएससी पार्ट 1 में दिया है, उसको पार्ट 3 में नहीं दिया है, और वो पिछले साल आया है, उसके भी पिछले साल आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन है, जैसे जेनर डायोड है, जेपी अग्रवाल में छोड़ दिया गया है, क्योंकि जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आपके सिलेबस में है, जेनर डायोड नहीं है, वास्तव में नहीं है सिलेबस में, और पीएन जंक्शन भी नहीं है आपके में, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन है, पर हम जेनर डायोड लगातार पढ़ा रहे हैं, और आपका 2020 में जेनर डायोड आपका 12 नंबर में आ गया, ठीक है। तो आप जब अगर पढ़े नहीं होगे, पार्ट 1 के अकॉर्डिंग लिख नहीं पाओगे, आपने, हम जानते हैं कि पार्ट 1 में पढ़ा, अब तुम पार्ट 3 में जेनर डायोड लिख लो बिना पढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे कुछ बहुत होशियार हैं तो एक आइडिया बना बनू के लिख देंगे, पर आप प्रॉपर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो वो थर्ड ईयर में जेनर डायोड हम पढ़ा रहे थे, आपका जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन सिलेबस में है, ठीक है, आपके ना जेनर डायोड है ना पीएन। तो जेनर डायोड अभी 2020 के पेपर में आया है, एक्सप्लेन जेनर डायोड एंड गिव द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, जेनर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। तो ये पूरा लॉन्ग में 12 नंबर में आया। तो इसलिए थर्ड ईयर का सिलेबस में पार्ट 1 के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब उनको बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते, वो भी आएंगे। तो आपको ज़्यादा पढ़ना है इस पेपर में, ठीक है। अब जैसे डीसी लोड लाइन है, वो थर्ड बीएससी पार्ट 1 में भी थी, यहाँ पर भी थी, ठीक है, वो किसी दिन आपको लिखवाएंगे अगले टर्न पे ही, क्योंकि ये इसके आज पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक बता रहे हैं। अब अभी इसके नेगेटिव फीडबैक के बीएससी पार्ट 1 में भी ये पढ़ा है, पर बीएससी पार्ट 1 में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बस इतना है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक के जो एडवांटेजेस हैं वो स्पेशल वे में प्रूफ है, वो करने हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा, वो अगले टर्न पे आएगा, और डीसी लोड लाइन अगले टर्न पे पढ़ाएंगे, छोटा सा टॉपिक। तो ये अब हम आगे चल दिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने उस पर जूम पे पढ़ाया था ना, उसके अब आगे है हमारा वी नॉट। तो ये देखिए एम्पलीफायर है, इनपुट आपने वी आई लगाया, आउटपुट आपको वी नॉट मिला, ठीक है। अब यहाँ पर वही फिगर वो बना हुआ है, फिर से बना रहे हैं, ये अब वो तो जनरल था, अब ये हमने फीडबैक सर्किट,
फीडबैक सर्किट, ये जो कपल्ड आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर देन एम्पलीफायर पढ़ोगे उनमें आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि कहाँ से निगेटिव फीडबैक हो रहा। तो ये वाला हो गया प्लस, ये वाला माइनस, यहाँ से लिया बीटा वी नॉट, बीटा वी नॉट, ठीक है। ये तो एज इट इज, यहाँ से लिया प्लस, यहाँ से लिया माइनस। अब इधर जब जोड़ोगे तो प्लस से प्लस को जोड़ो, माइनस से माइनस को जोड़ो, ऊपर वाला प्लस, ये वाला, ये हुआ बीट। ये यहाँ वाला जोड़ना मेन है और वही हमने लिखा है, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट इन सेम फेज, जब फ्रैक्शन आउटपुट का हम फीडबैक कर देते हैं इनपुट पर समान कला में, सेम फेज में, सेम फेज का मतलब ये प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, ठीक है। देन फीडबैक सिग्नल एडेड विथ इनपुट सिग्नल एड हो गए, वी आई प्लस बीटा वी नॉट, फीडबैक सिग्नल एडेड विथ इनपुट सिग्नल, दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, ठीक है। अब इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ए है, तो देखिए वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर ए बराबर वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, पहले विदाउट फीडबैक लिख दें, विदाउट फीडबैक, नोट करते जाइए, विदाउट फीडबैक। तो ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, वी नॉट अपॉन वी आई, नोट करते जाइए। बुक में पढ़ोगे काफी टिपिकल दिया है, बिल्कुल इजी हमने लिखवा दिया इसको, ठीक है। तो वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन बिना फीडबैक के, इधर आ जाओ मोहित, इधर आ जाओ, स्वेटर वेटर पहनो, ठंड आ जाओगे, बुखार आ गया तो वही कोविड में टाइम काउंट हो जाएगा, इसलिए बुखार मत आ देने दीजिए। वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, ये वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। अब जब आपने, अब आपने यहां पर पॉजिटिव फीडबैक किया तो देखिए आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के बाद आफ्टर, यहां से नोट करो मोहित, अब वो समझा देंगे यहां से, पॉजिटिव फीडबैक, आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक इनपुट वोल्टेज becomes, पॉजिटिव फीडबैक से नोट कर लो, इनपुट वोल्टेज becomes वी आई प्लस बीटा वी नॉट, ये पॉजिटिव फीडबैक के बाद इनपुट वोल्टेज हो जाता है वी आई प्लस बीटा वी नॉट, वी आई प्लस बीटा वी नॉट हो जाता है, ये पॉजिटिव फीडबैक के बाद वी आई प्लस बीटा वी नॉट, ठीक है, वी आई और ये क्या है बीटा वी नॉट। अब यहां पर देखिएगा जरा, यहां से जरा मेन है, वी आई प्लस बीटा वी नॉट को आपने ए गुना किया, ठीक है, और आपको वैल्यू वी नॉट से ज्यादा मिलेगी। जरा एक मिनट इनको बता दें, ये क्या होता है कि जैसे आपने, ये थ्योरी हम बता दे रहे हैं कि जैसे आपने इनपुट लगाया वी आई, एम्पलीफायर है वो वी नॉट देता है, तो एम्पलीफायर क्या करता है वैल्यू को बढ़ा देता है। अब वो तो तुमने पढ़ा
कॉमन एमीटर है, कनेक्शन लिया है तो वो 500 गुना करेगा, कॉमन बेस है तो वो वोल्टेज को 150 गुना करेगा, कॉमन कलेक्टर है तो वो क्या करेगा, एक से भी कम कर देगा। तो इसलिए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज होता है हर एक में। तो आपने VI लगाया, वी नॉट मिला। अब यहां से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 1/100, 1/1000, ठीक है, हम इनपुट पे लगाते हैं, ठीक है, मतलब जो इनपुट है उससे एम्पलीफाइड आउटपुट मिला। और इसके फ्रैक्शन को अब लेने को, जब हम कुछ फ्रैक्शन लेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सर्किट यूज करना पड़ेगा, ये तो ब्लॉक डायग्राम है। तो फीडबैक सर्किट लिया जाता है और वो क्या करेगा, इसका फ्रैक्शन लेगा। फीडबैक सर्किट मतलब आपका बी नॉट मान लो एक वोल्ट लगाए तो 10 वोल्ट है, और उसने क्या किया, 10 का 1000वां भाग, 10 का 100वां भाग, ये आपने इस पर फिर से इनपुट कर दिया। अब इनपुट कर रहे हो, और अगर आप प्लस से प्लस कर रहे हो, माइनस से माइनस, अगर समान कला में है, सेम फेज में है, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, तो वो सेम फेज, अगर सेम फेज में है तो ये जुड़ जाएगा, और अगर अपोजिट फेज में है तो ये घट जाएगा। इसे कहते हैं फीडबैक, कि भाई आपने आउटपुट के फ्रैक्शन को इनपुट किया किसी भी तरीके से, बाई एनी मीन्स, देन फीडबैक सिग्नल एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो फीडबैक सिग्नल या तो जुड़ जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐड होगा तो पॉजिटिव फीडबैक, सब्सट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव फीडबैक। अब हम पहला बता रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। देखिए, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, फ्रैक्शन ही तो लेंगे हम, जब फ्रैक्शन आउटपुट का इस फीडबैक टू इनपुट, भाई जैसे आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, आप एक वोल्ट लगा रहे हो, आपको 150 मिलता जा रहा, अब आप चाहते हो कि हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाए, ठीक है, तो बढ़ते हुए आपको, जैसे ऑसिलेटर्स होते हैं, हार्टले ऑसिलेटर है, कॉलपिट ऑसिलेटर है, आपके सिलेबस में नहीं है, उनमें BSc पार्ट वन में था हार्टले, तो उसमें क्या होता है कि हमको फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाना है, हमको आउटपुट वैल्यू बढ़ाती जाना, इंक्रीज करना लगातार। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो आउटपुट का फ्रैक्शन है वो इनपुट पे हम समान कला में लगा देंगे, मतलब यहाँ से लोगे तो वैसे ही, ये प्लस ये माइनस, अब जब हमने लगाया तो प्लस से प्लस जोड़ा, माइनस से माइनस, सेम फेज में हुआ तो जुड़ गया। तो यही हमें लिखा, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, फीडबैक किया इनपुट में इन सेम फेज समान कला में, देन फीडबैक सिग्नल एडेड जुड़ जाते हैं, ठीक है, विथ इनपुट सिग्नल, दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या है, ए जनरल विदाउट फीडबैक, अभी हमने फीडबैक नहीं किया है, तो ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई। अब जब हमने फीडबैक कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई, आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक इनपुट वोल्टेज बिकम्स वी आई और प्लस बीटा वी नॉट। अब वो क्या करेगा, उसको मान लीजिए 150 गुना कर रहा है या 500 गुना कर रहा है, तो आपने यहाँ से लिया एक वोल्ट, ठीक है, और आपको मिला 500 वोल्ट, 500 का आपने 1000वां भाग कर दिया, ठीक है, तो 500/1000, तो ये क्या हुआ, 1/ ये हो गया 2 वोल्ट जुड़ गया जाके, ठीक है, तो ये आपका मतलब 1/2.5, तो अब यहाँ पर गया तो 1+0.5, अब फिर वो 150 गुना करेगा या 500 गुना करेगा, इंक्रीज किया, तो वैल्यू वी नॉट जो पहले वाले में आई है उससे ज्यादा आएगी। भाई आप ये सोचिए ना, आपने लगाया एक बोल्ट, मान लीजिए सिंपल 10 बोल्ट मिला, ठीक है, आपने उसका 100वां भाग कर दिया 0.1, अब वैल्यू गई, ठीक है, तो 1.1 का फिर मान लो 10 गुना किया तो वो क्या हो गया, 11 बोल्ट हो गया, ठीक है, तो वैल्यू आपने एक बोल्ट लगाई थी, आपको मिल रहा था 10 वोल्ट, अब दूसरी बार में आपको मिल रहा है 11 वोल्ट, फिर आपका और बढ़ेगा, तो पहली फर्स्ट टाइम वैल्यू वी नॉट से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ठीक है, वी नॉट प्लस है, कुछ बढ़ी हुई वैल्यू है, ठीक है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसे हमने इग्नोर कर दिया,
ठीक है, तो आपका वैल्यू वी आई, भाई अब आपका वी आई ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई है, ठीक है, वी आई अब वी आई नहीं रहा, वी आई प्लस बीटा वी नॉट, तो पहली बार में वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ी, दूसरे बारे में और बढ़ेगी, तीसरे टाइम में और बढ़ेगी, तो आपकी वैल्यू वी आई प्लस बीटा वी नॉट ए टाइम्स होने पर वी नॉट से थोड़ी ज़्यादा है, पहली बार में उसको आप इग्नोर कर दीजिए, तो आपका प्रूफ करने के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वैल्यू क्या लीजिए वी नॉट, अब देखिए ए बी आई ए बीटा वी नॉट बराबर वी नॉट, उधर ले जाओ ए बी आई वी नॉट माइनस ए बीटा वी नॉट, ठीक है, अब वी नॉट को बाहर ले लिया, वन माइनस ए बीटा, वन माइनस ए बीटा आया है, क्या नाम है निशान, समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला स्टेप मेन है यहां पर भाई, वी आई प्लस बीटा, भाई आप क्या कर रहे थे, वी आई को लगाते थे, एक वोल्टेज गेन ए गुना है तो वो क्या मिलता था वी नॉट, मतलब आप क्या करते थे ए वी आई बराबर वी नॉट, यही तो करते थे, ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, इधर मल्टीप्लाई कर लो ए वी आई बराबर वी नॉट, ठीक है, अब आपका जब आपने फीडबैक किया है आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक इनपुट वोल्टेज बिकम्स वी आई और प्लस बीटा वी नॉट, ये हुआ, तो वैल्यू क्या हुई वी आई प्लस बीटा वी नॉट ए गुना किया तो वी नॉट से थोड़ी सी ज़्यादा आई, पहली बार में आप उसे इग्नोर कर दीजिए, तो वैल्यू क्या मानिए वी नॉट, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, उधर ले गए वी नॉट बाहर, तो वी नॉट अपॉन वी आई वोल्टेज गेन फीडबैक के बाद ए एफ बराबर वी नॉट अपॉन वी आई ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, ये वोल्टेज गेन है आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, ये वोल्टेज गेन आया आफ्टर पॉजिटिव, ये समझ गए सभी बच्चे, निशान तुम्हें समझ में आ गया, तुमको समझ में आ गया कि भाई वी आई प्लस बीटा वी नॉट ए, तो ये वी नॉट नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा, पहली बार में हमने इग्नोर कर दिया प्रूफ करने के अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यू वी नॉट ही मान लिया, ठीक है, अब आपका ए वी आई, इधर मल्टीप्लाई करो ए वी आई ए बीटा वी नॉट बराबर वी, उधर ले जाएंगे ए वी आई वी नॉट माइनस ए बीटा वी नॉट, वी नॉट बाहर लिया वी नॉट अपॉन वी आई ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, ठीक है, ये वोल्टेज गेन भाई आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, हम इसे क्या कहेंगे फीडबैक वोल्टेज गेन, तो ये वोल्टेज गेन है आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, दिख रहा है ना, दिस इज द, खड़े होकर देख लो, थोड़ी दिक्कत है इस समय, दिस इज द वोल्टेज गेन आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, ये वोल्टेज गेन है आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, ये वोल्टेज गेन है आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, अब देखिए वन से ए बीटा घट रहा है, वन से ए बीटा आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू वन से कम होगी, वन माइनस ए बीटा इज स्मॉलर देन वन, वन माइनस ए बीटा एक से कम आएगा ना, एक से कम, ठीक है, तो भाई जब एक से ये वैल्यू कम आएगी तो ए एफ की वैल्यू, भाई ये आपका आ गया ना ए एफ बराबर ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, ये वाली वैल्यू एक से कम आ रही है और लगातार कम होती जा रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू वन से स्मॉल है तो ए एफ ग्रेटर हो गया ना ए से, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो ए एफ जो है ए से छोटा होता है ना,
भाई आपका अगर आप कम वैल्यू से डिवाइड करोगे, ठीक है, ए को, तो ये वैल्यू बढ़ ज़्यादा आएगी ना, वन से कम से करो, बिलो वन, और अगर ये वैल्यू बिलो ग्रेटर देन वन तो ए एफ के आएगा कम, तो यहाँ पर ये वैल्यू वन से कम है इसलिए ए एफ जो है ग्रेटर देन ए है, तो वोल्टेज गेन इंक्रीज करेगा जैसे जैसे फीडबैक सिग्नल इंक्रीज करेगा, वोल्टेज गेन इंक्रीजेज एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेज, इन दिस वे वोल्टेज गेन इंक्रीजेज एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेस, जैसे जैसे फीडबैक सिग्नल बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज गेन बढ़ेगा, इन दिस वे कॉमा वोल्टेज गेन इंक्रीजेज एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेज, इन दिस वे वोल्टेज गेन इंक्रीजेज एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेज, ठीक है, जरा देखिए यहां पर बीटा जो है फीडबैक फ्रैक्शन है, बीटा क्या कहलाएगा, फीडबैक फ्रैक्शन, बीटा जो है फीडबैक फ्रैक्शन है, ए बीटा फीडबैक फैक्टर है, ए बीटा फीडबैक फैक्टर, ए बीटा फीडबैक फैक्टर, नोट कर लीजिए, जरा देखिए एक बार, देखिए सभी बच्चे एक बार देखिए, तुम लोग ध्यान दे देना क्योंकि ये लोग मोस्टली पार्ट वन में भी पढ़ चुके हैं हमसे, ठीक है, देखिए एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन ए है, एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन ए है, आपने वी आई लगाया इनपुट वोल्टेज, आपको वी नॉट मिला, ठीक है, तो ये देखिए वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के, तो ए बराबर वी नॉट अपॉन वी आई, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये आपका, अब जब आपने फीडबैक सर्किट कर दिया पॉजिटिव फीडबैक तो वैल्यू क्या हो गई, वी आई प्लस बीटा वी नॉट, ठीक है भाई, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, तो वैल्यू हो गई वी आई प्लस बीटा वी नॉट, वही हमने लिखा आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक इनपुट वोल्टेज बिकम्स वी आई प्लस बीटा वी नॉट, इनपुट वोल्टेज क्या हो गया वी आई प्लस बीटा वी नॉट, वही हमें लिखा वी आई प्लस बीटा वी नॉट इंटू ए बराबर वी नॉट, ठीक है, वी आई प्लस बीटा वी नॉट इंटू ए बराबर वी नॉट, अब मल्टीप्लाई करिए ए वी आई ए बीटा वी नॉट बराबर वी नॉट, ठीक है, अब ए वी आई ए बीटा वी नॉट बराबर वी नॉट, इसको उधर, तो ये वैल्यू जब आप लगा रहे थे 1 वोल्ट मिल रहा था 10 वोल्ट, आपने फ्रैक्शन लगाया तो अब आपका 1.1, एक एग्जांपल दे रहे हैं 1.1, तो अब 10 गुना वो करेगा तो 11 वोल्ट हुआ ना, तो 10 और 11 में एक छोड़ सकते हैं ना, तो पहली बार वैली में हमने वी नॉट में जो बढ़ी वैल्यू वो इग्नोर कर दी, ठीक है, जो इंक्रीज हुई वैल्यू फर्स्ट टाइम मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो वी आई प्लस बीटा वी नॉट इंटू ए बराबर वी नॉट, मल्टीप्लाई किया ए वी आई ए बीटा वी नॉट बराबर वी नॉट, ठीक है, हम उधर ले गए वी नॉट कॉमन लिया, अब वी नॉट अपॉन वी आई क्या कहलाएगा ए एफ, वोल्टेज गेन आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, तो ए एफ से दिखाया, और वी नॉट के नीचे वी आई, और ये क्या हो गया ए के नीचे क्या हो गया 1 माइनस ए वी, वो लिखा ए एफ बराबर ए अपॉन 1 माइनस, ठीक है, ये आपका दिस इज द वोल्टेज गेन आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, मतलब हम वी नॉट को वी नॉट नहीं मान रहे,
हम वी नॉट प्लस मान रहे हैं और उस प्लस की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। मतलब पहली टाइम तब वो, मतलब आप कहोगे ये वाला ए भी वी नॉट अपॉन वी आई है और ये वाला भी, ये वाली लाइट जला दो उधर उधर, हाँ ये वाला ए भी, ये आपका ये वाला ए वी नॉट अपॉन वी आई है और ये वाला ए अब भी वी नॉट अपॉन वी आई है, पर हम वी नॉट तो अपने मैथमेटिकल वे में ले रहे हैं, वी नॉट नहीं है, वी नॉट प्लस है, कुछ ज़्यादा है। तो वो है ए एफ बराबर वी नॉट अपॉन वी आई जरूर लिया है, पर वो ए एफ में वी नॉट की वैल्यू जो आपकी वी नॉट, वो हम मैथमेटिकल वे में इग्नोर करके चल रहे हैं, तो वो वी नॉट प्लस है, कुछ ज़्यादा है, तो ए एफ की वैल्यू ए अपॉन वन माइनस। अब यहाँ पर एक से ए बीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वन माइनस ए बीटा इज स्मॉलर देन वन, वन माइनस ए बीटा की वैल्यू एक से आपकी क्या आएगी का, तो यहाँ पर ए एफ बराबर ए अपॉन वन माइनस बी ए बीटा। जब ये वैल्यू अगर कम आएगी तो ऑब्वियसली ए एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इन दिस वे वोल्टेज गेन इंक्रीजेज एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेज। भाई जब नीचे वाला फैक्टर कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली ए एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं, वो भी एक से कम हो रहा है, एक बार में एक से कम हुआ फिर और एक से कम होगा, बिलो द वन होता जाएगा, तो ए एफ की वैल्यू इंक्रीज कर। इन दिस वे वोल्टेज गेन इंक्रीजेज एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेज। बीटा फीडबैक फ्रैक्शन है, ए बीटा फीडबैक फैक्टर है, ठीक है, हर समझ गए ऋषभ। अब देखिए इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, पॉजिटिव फीडबैक की मेरिट्स और डीमेरिट्स, अच्छाइयां और कमियां, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, अच्छाइयां और कमियां पॉजिटिव फीडबैक की, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो पॉजिटिव फीडबैक है इंक्रीजेज द गेन ऑफ एम्पलीफायर, इंक्रीजेज द गेन ऑफ एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक बढ़ाता है एम्पलीफायर के गेन को, पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द गेन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के गेन को बढ़ाता है, इसलिए डिस्टॉर्शन भी बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर तुम्हारे घर में लगातार वोल्टेज बढ़े, ठीक है, कभी 220 आए, कभी 230 आए, कभी 240 आए, मोहित कुमार क्या होगा, क्या होगा, नहीं उससे होगा क्या, उससे ये होगा कभी तुम्हारी टीवी की पावर सप्लाई फूक जाएगी, कभी एसी खराब हो जाएगा, कभी बात चला सीएफएल एलईडी, मतलब तुम्हारे घर में डेली कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा। अगर वोल्टेज बढ़ता रहे, घटता रहता है वो तो होता ही है, आप देखते हो कि 220 वोल्ट का आइडियल कभी आता ही नहीं है, हमेशा अश्वनी क्या बताया हमने कि अगर तुम्हारे घर में 220 वोल्ट की जगह 230 वोल्ट हो जाए, कभी 240 हो जाए तो क्या होगा। हाँ तो तुम अभी सुन ही नहीं रहे हो, बगल वाले से उनसे बात कर रहे हो। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस द गेन ऑफ एम्पलीफायर, बढ़ाता है गेन को एम्पलीफायर, सो दैट डिस्टॉर्शंस, ये जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं डिस्टॉर्शंस आर आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ेंगे इन सेम फैक्टर, उसी अनुपात में। पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस द गेन ऑफ एम्पलीफायर,
पॉजिटिव फीडबैक बढ़ाता है एम्पलीफायर के गेन को, सो दैट डिस्टॉर्शंस, यही टीवी जलना, कभी कोई पार्ट जल जाना घर के, तो डिस्टॉर्शंस भी इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में. डिस्टॉर्शंस आर आल्सो इंक्रीजेज इन सेम फैक्टर. पॉजिटिव फीडबैक नेवर बी यूज्ड इन एम्पलीफायर्स, जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें कभी भी यूज नहीं किया जाता. जैसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, जितने भी पावर एम्पलीफायर्स पढ़ोगे उनमें कहीं पर भी यूज नहीं किया जाएगा. पॉजिटिव फीडबैक नेवर बी यूज्ड इन एम्पलीफायर्स. कहां यूज किया जाएगा? ऑसिलेटर्स में. पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक आर यूज्ड इन ऑसिलेटर्स, उसको ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं. पॉजिटिव फीडबैक आर यूज्ड इन ऑसिलेटर्स, पॉजिटिव फीडबैक को ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया. इधर भाई लाइट बंद कर दीजिए.